नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम यादव लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती की। पिछले कुछ वर्षों में एलोवेरा के प्रोडक्ट की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर खाने पीने के हर्बल प्रोडक्ट और अब तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसकी काफ़ी मांग बढ़ी है। मांग को देखते हुए किसान इस खेती को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस तरह से एलोवेरा की मांग बढ़ती जा रही है, उस तरह से ये किसानों के लिए बहुत फायदे का सौदा है। इसकी खेती करके और प्रोडक्ट बनाकर दोनों तरह से अच्छी कमाई की जा सकती है। एलोवेरा से अच्छी कमाई करने के लिए थोड़ी सावधानियां भी बरतनी जरूरी होती है। किसानों को चाहिए कि वो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर खेती करें और कोशिश करें कि पत्तियों की जगह इसका पल्प ही बेचें। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे किसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एलोवेरा की खेती करके एक नया मुकाम हासिल किया है। औरैया जिला के रहने वाले किसान भाई सचिन तिवारी ने करीब 4.5 एकड़ की बंजर भूमि में एलोवेरा की खेती की है। आज वे अपने क्षेत्र में एलोवेरा की खेती करके बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे सचिन जी किसानों के आदर्श बन गए हैं। उनकी कामयाबी को देख लोगों में एलोवेरा की खेती के प्रति अधिक रुझान बढ़ा है। यहाँ पर जो लघु सीमांत किसान है, जो कि साल में मुश्किल से एक या दो फसल कर पाता है और उसको कोई इसकी फसल का सही लाभ भी नहीं मिल पाता है, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी सालाना इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है। और उसी मिशन के तहत हम लोगों सब में मिल के यहाँ पे एक ये औषधीय कृषि परीक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पहले फेज में एलोवेरा की फसल लगाई है इसमें। और इसमें जो लगाने का उद्देश्य मेन ये है कि किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, और साथ में यहाँ पे जो हम सरकार से डिमांड ये करना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है पानी की, उस पानी की समस्या के लिए जो भी स्कीम है, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि वहाँ पे लागू की जाए, जल्दी से जल्दी उसका लाभ मिल सके यहाँ पे। और इसके साथ में और भी फसलों को भी आगे हम तो यहाँ पे प्रमोट करना चाहेंगे, ये हमारी विशेष डिमांड है। एलोवेरा में कई सारे औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग आयुर्वेदिक में बड़े पैमाने से होता आ रहा है। आज के दौर में कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां इसका उपयोग चिकित्सा के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, जैसे फेस वॉश, क्रीम, शैम्पू, अन्य कई सारे उत्पाद में इसका प्रयोग होता है, जिसकी वजह से इसकी मांग बढ़ने लगी है। एलोवेरा के पौधे को गमले में भी उगाया जा सकता है। जलने पर इसके पत्तों में से गुदा और रस लगाने से काफी ज्यादा राहत मिलती है। कई सारे लोग इसे मकानों के छत और बगीचे में सजावट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी बढ़ती मांग की वजह से इसकी खेती व्यवसायिक रूप में शुरू हो गई है। आइए आपको बताते हैं एलोवेरा से मिलने वाले फायदों के बारे में। फायदे: इसकी खेती किसी भी जमीन पर आसानी से की जा सकती है। एलोवेरा की खेती कम खर्च में की जा सकती है। इसकी खेती में सिंचाई और दवाई पर खर्चा कम होता है। एलोवेरा की खेती से बंजर और अनुपयोगी जमीन का उपयोग हो जाता है। इसे कोई भी पशु नहीं खाता है। इसे खेत की मेड़ पर चारों तरफ लगाने से दूसरी फसल की भी सुरक्षा हो जाती है। एक बार लगाने के बाद 5 सालों तक आसानी से फसल ले सकते हैं। अन्य फसलों की तुलना में मिट्टी का ह्रास कम होता है। किसान भाइयों, एलोवेरा की खेती करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, जुताई की विधि, उर्वरक और खाद आदि बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर किस तरह से हम खेत की तैयारी करें जिससे फसल अच्छी प्राप्त हो, आइए जानते हैं। खेत की तैयारी: वैसे एलोवेरा के पौधे किसी भी प्रकार की उपजाऊ अनुपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगाए जा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि पौधे अधिक जलभराव और पाला पड़ने वाली जगह पर नहीं लगाना है। सबसे पहले खेत की 2 बार अच्छे से जुताई कर उसमें प्रति हेक्टेयर 10 से 20 टन के बीच में अच्छी पकी हुई गोबर की खाद डालें।
साथ में 120 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश इनको खेत में समान रूप से बिखेर दें। उसके बाद एक बार हल्की जुताई करके पाटा लगाकर मिट्टी को समतल बना लें। फिर खेत में 50 बाई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उठी हुई क्यारी बना लेनी चाहिए। एलोवेरा की एक एकड़ खेती से आसानी से 5 से 7 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। पत्तियां जहां 5 से 7 रुपए प्रति किलो में बिकती हैं, वहीं पल्प 20 से 30 रुपए में बेचा जा सकता है। इसलिए किसानों को पत्तियों की जगह पल्प बेचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एलोवेरा की खेती के लिए पौध की रोपाई और रखरखाव के बारे में। पौध की रोपाई और रखरखाव। पौधे की रोपाई किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फरवरी से मार्च के बीच कर सकते हैं। एलोवेरा की रोपाई प्रकंदों से होती है, इसलिए उनकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए उन्नत किस्में सिम शीतल L125 और 49 है। एलोवेरा की इन किस्मों में जल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगर आपके पास इसकी खेती के लिए जमीन नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खेती कर बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसी दूसरे के खेत को समझौते पर लेकर खेती करना होता है। इसके कारोबार में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि आजकल हर चीज में इसका उपयोग हो रहा है, जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलोवेरा की खेती के लिए उपयुक्त सिंचाई के बारे में। सिंचाई। साल भर में इसे मात्र 4 या 5 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली अच्छी रहती है। इससे इसकी उपज में बढ़ोतरी होती है। गर्मी के दिनों में 25 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी एलोवेरा से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम आपको तरबूज की खेती के बारे में जानकारी देंगे। तरबूज उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में पहला है। भारत में लगभग सभी राज्यों में तरबूज की खेती की जाती है। रोजाना के खाने में तरबूज के फल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी खेती पर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तरबूज को हम स्वादिष्ट फल के रूप में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि तरबूज अधिक पौष्टिक भी है? तरबूज जो हमें गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाता है, वही अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देता है, बल्कि उनसे बचाता भी है। तरबूज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, ए और बी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो आइए जानते हैं इस स्वादिष्ट और पौष्टिक फल के लाभ के बारे में। लाभ। तरबूज का जूस उच्च रक्तचाप में लाभकारी होता है। हृदय को स्वस्थ रखने में तरबूज बहुत लाभकारी फल है। तरबूज का सेवन कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाता है। बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत होने से तरबूज आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार होता है। तरबूज के बीजों को चबा चबा के चूसने से दांतों के पायरिया रोग में लाभ मिलता है। सूखी खांसी में तरबूज खाने से खांसी में राहत मिलती है। तरबूज एक लंबी अवधि वाली फसल है, जिसका ज्यादा तापमान होने पर अधिक वृद्धि होती है, इसलिए इसकी खेती अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में की जाती है।
इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली भूमि उचित होती है। आइए अब आपको तरबूज की खेती के लिए भूमि और जलवायु के बारे में जानकारी देते हैं। भूमि, तरबूज के लिए रेतीली दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। खेती गंगा, यमुना और नदियों के खाली स्थानों में क्यारियां बनाकर की जाती है। भूमि में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिलाना चाहिए। अधिक रेत होने पर ऊपरी सतह को हटाकर नीचे की मिट्टी में खाद को मिला देना चाहिए। जलवायु, तरबूज के लिए अधिक तापमान वाली जलवायु सबसे अच्छी होती है। गर्म जलवायु में वृद्धि अच्छी होती है। इसके लिए ठंडी और पाले वाली जलवायु उपयुक्त नहीं होती। बीजों के अंकुरण के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। तरबूज बाहर से हरे रंग के होते हैं और अंदर से लाल पानी से भरपूर मीठे होते हैं। इसकी फसल आमतौर पर गर्मी में तैयार की जाती है और इन्हें गर्मी में खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। शरीर के विकास के लिए कुछ खास तरह के अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिससे हमारे शरीर का उचित विकास होता है। आइए जानते हैं तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त उन्नत किस्मों के बारे में। उन्नत किस्में अर्का ज्योति, पूसा रसा, टाटा गोलास आदि जातियाँ अच्छी उपज देती है। असाई पामटो, इस किस्म के फल मध्यम आकार के होते हैं और इनका छिलका हल्का हरा होता है। गुदा लाल, मीठा और फल के बीज छोटे होते हैं। फल 6 से 8 किलोग्राम वजन के होते हैं और 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। शुगर बेबी, ये किस्म भी 95 से 100 दिनों में तैयार होती है, जिनका छिलका ऊपर से गहरे रंग की हल्की गहरी धारियां लिए हुए होता है। गुदा गहरा लाल, मीठा और बीज भी छोटे होते हैं। फल छोटे और मध्यम आकार के होते हैं। न्यू हैम्पशायर मिडगेट, ये किस्म गृह वाटिका के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इनके फलों का वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है और इसमें अधिक फल लगते हैं। छिलका हल्का हरा काली धारियों के साथ होता है और गुदा लाल मीठा होता है। तरबूज ताजगी से भरपूर फल होता है, जिसे गर्मी में उगाया जाता है। उत्तर भारत के भागों में इस फल का अधिक उत्पादन होता है। इस सब्जी के रूप में एक ऐसा फल है जिसके सेवन से हमें काफी लाभ होता है। तरबूज का उत्पादन तराई और गंगा यमुना के क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। तरबूज जायद मौसम में उगाया जाने वाला प्रमुख फल होता है। इसकी खेती मैदानों से लेकर नदियों के किनारे तक सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिससे इसके फलों को बाजार में अच्छे भाव में बेचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी खेती के लिए जरूरी बीज की मात्रा और बुआई के साथ सिंचाई के बारे में। बीज की मात्रा और बुआई, बीज की मात्रा बुआई के समय जाति और बीज के आकार पर निर्भर करती है। फरवरी मार्च में बोई जाने वाली फसल में बीज कम लगते हैं। बीज की मात्रा 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर आवश्यक पड़ती है। बीजों को अधिकतर हाथों द्वारा लगाना चाहिए। इससे अधिक बीज बेकार नहीं होते और थालों में हाथ से छेद करके बीज बो दिया जाता है। सिंचाई, सिंचाई की मात्रा मिट्टी के प्रकार, तापमान और मौसम पर निर्भर करती है। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए 5 से 6 दिन में एक बार सिंचाई जरूर करनी चाहिए। भारी मिट्टी से पर्याप्त अंतराल पर सिंचाई करने से वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जड़ क्षेत्र में और पौधे के निचले भाग में ज्यादा पानी देने से जड़ गलन और फल सड़न की समस्या हो सकती है, इसलिए सिंचाई प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो किसान भाइयों, ये तो थी तरबूज की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया है। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं दूर हों, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया है। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा और उनका जवाब जानने की कोशिश की। राजस्थान के रहने वाले किसान भाई भरत कुमार ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, मधुमक्खी पालन के लिए जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, भरत जी, मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स और बॉक्स फ्रेम की आवश्यकता होती है। मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने की भी आवश्यकता होती है जिससे मधुमक्खी के डंक से बचा जा सके। चाकू, रिमूविंग मशीन और शहद एकत्रित करने के ड्रम का इंतजाम भी जरूरी है। आप मधुमक्खी पालन के लिए अपने फॉर्म पर बीकीपर्स रख सकते हैं। जहां पर नमी ना हो उस जगह पर मधुमक्खी पालन करना चाहिए। इसलिए साफ सुथरे और अधिक स्थान की जरूरत होती है जिससे मधुमक्खी अधिक संख्या में छत्ते लगा सके। भरत जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। लखनऊ के रहने वाले किसान भाई अभय सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आपका सवाल, गन्ने में लाल सड़न रोग से बचाव कैसे करें। हमारा जवाब, अभय जी, गन्ने के लाल सड़न रोग से बचाव के लिए प्रभावित पौधों को खेत से बाहर निकाल कर जला देना चाहिए। गन्ने की बुआई के पहले बीज का किसी पारायुक्त कवकनाशी जैसे एग्लाल या एरिटान के 0.25% के घोल से उपचारित करना चाहिए। प्रभावित फसल की पेड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गन्ने के लाल सड़न रोग से ग्रसित होने पर गन्ने के बाद धान और हरी खाद का फसल चक्र अपनाना चाहिए। अभय जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। बाराबंकी के रहने वाले किसान भाई अविनाश ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, गेहूं की नवीन उन्नत किस्मों के बारे में बताएं। हमारा जवाब, अविनाश जी, गेहूं की कई नवीन उन्नत किस्में हैं। JW1106 यह मध्यम अवधि की 115 दिन वाली किस्म है। इस किस्म के पौधे सीधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं। बीज का आकार सिंचित अवस्था में बड़ा और आकर्षक होता है। यह किस्म सरबती और अधिक प्रोटीन युक्त होती है। इस किस्म की औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अमृता HI 1500
ये सरबती श्रेणी का नवीनतम सूखा निरोधक किस्म है। इसका पौधा आधा सीधा और ऊंचाई 120 से 135 सेंटीमीटर होती है। दाने मध्यम गोल सुनहरा रंग लिए हुए चमकदार होते हैं। इसके 1000 दानों का वजन 45 से 48 ग्राम और बाल आने का समय 50 दिन है। फसल पकने की अवधि 125 से 130 दिन होती है। अविनाश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।